हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितु सिंपल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद, जो कि सूखी पिसी धनिया से बनता है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। एक पैन को गर्म करें, उसमें आधी कटोरी घी डालें, एक कटोरी धनिया पाउडर डालकर भूनें। अब धनिया का कलर बदल गया है, खुशबू भी आने लगी है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लें। अब एक पैन में एक चम्मच घी डालकर उसमें कटे मखाने एक मिनट तक भूनें। और धनिया के मिक्सचर में मिला दें। फिर उसमें कटे हुए काजू बादाम भूने। और धनिया के मिक्सचर में मिला दें। अब बचे हुए घी में कटा हुआ सूखा नारियल भूने। और धनिया के मिक्सचर में मिला दें। धनिया थोड़ी ठंडी हो गई है, इसमें आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डालें। अब इसमें 3/4 कटोरी पिसी चीनी डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब पंजीरी को कटे हुए मखाने, किशमिश और तुलसी से गार्निश करें और भगवान को भोग लगाकर सब खाएं। सब्सक्राइब कीजिए रितु सिंपल किचन चैनल को, बेल आइकन को दबाइए नई फूड वीडियोस को देखने के लिए।